हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सीए सीएस फाउंडेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर और उसी तरह जो स्टूडेंट नेट कॉमर्स मैनेजमेंट इन इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही सिग्निफिकेंट है। प्राइस इफेक्ट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और यहाँ पे क्या है कि जब हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से प्राइस इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो कितना हिस्सा इनकम की वजह से है, कितना हिस्सा सब्स्टिट्यूशन की वजह से है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो प्राइस इफेक्ट है डेट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पोजिशन है वो इनकम की वजह से, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से और प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम की वजह से जो है इफेक्ट होता है। और ये जो इफेक्ट होता है इनकम इफेक्ट, अगर इनकम की वजह से है, अगर सब्स्टिट्यूशन गुड्स की प्राइस की वजह से है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और अगर गुड्स कंज्यूम की प्राइसेस की चेंजेस आती हैं तो वो प्राइस इफेक्ट है। और यहाँ पे मैंने इन डेप्थ के अंदर जो है आपको इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताया है। और अगर जो स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ के हैं जिनको लेंथी पेपर आता है तो उसके लिए भी मेरे ऑलरेडी दो वीडियोज़ कवर हैं, ऑलरेडी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं जिसके अंदर बताया हुआ है कि प्राइस इफेक्ट को हमने एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम इफेक्ट का अर्थ होता है कि यहाँ पे जो अदर जो चीज़ें हैं वो इक्वल रहती हैं, प्राइसेस ऑफ द गुड्स जो है कांस्टेंट रहती हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो इनकम की वजह से हम स्टडी करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी प्राइस के ऊपर, उसकी जो परचेज़ है, ख़रीदता है जो माल, जो एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशन परचेज़ करता है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो इनकम इफेक्ट इंडिकेट्स डेट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है, अगर जैसे वो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है तो इनकम इंक्रीज पे इस पॉइंट पे चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दोनों गुड्स की जो डिमांड, दोनों गुड्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। और उसी तरह अगर इनकम रिड्यूस होती है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी लो हो जाता है, क्योंकि नेचुरली उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जब हम इनकम इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके अंदर जो अजम्पशंस होती हैं, एक तो यहाँ पे हम अजम्पशन लेते हैं कि दोनों ही जो गुड्स हैं उनकी प्राइसेस के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, वो कॉन्स्टेंट है, कोई फैशन टेस्ट एंड हैबिट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, स्केल ऑफ प्रेफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है सिर्फ वही चेंज होती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर दोनों गुड्स जो है नॉर्मल है तो उस वक्त जो है हम इनकम इफेक्ट को किस तरह से शो कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये एक्स गुड है, ये वाई गुड है, और उसी तरह मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे हम एक्स गुड लेते हैं, यहाँ पे वाई लेते हैं, और ये आपने ध्यान में रखना है कि एक्स एंड वाई जो है दोनों ही नॉर्मल है। तो देखो, यहाँ पे हमारी ये ओरिजिनल प्राइस लाइन है, तो अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो बिल्कुल इसके पैरेलल जो है आपने ड्रॉ करना है, और अगर इनकम रिड्यूस होती है तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है बिल्कुल पैरेलल। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों नॉर्मल गुड्स हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारी इनकम चेंज होती है, पहले हम इस लेवल पे होते हैं, फिर हमारी इनकम चेंज होती है तो हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की मात्रा ज़्यादा है, और जब इनकम रिड्यूस होती है तो हम इस इंडिफरेंस कर्व पे, इस बिंदु ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाते हैं। तो ये ई वन है, ये ई है और ये ई टू है। तो जब हम इनको मिला देते हैं तो हमारे पास क्या है, इनकम कंजम्पशन कर्व आता है, और ये जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है अगर दोनों गुड जो है नॉर्मल है, और ये यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर इनकम ज़ीरो है तो दोनों गुड्स के ऊपर भी जो है डिमांड, दोनों गुड्स की जो क्वांटिटी है वो भी ज़ीरो रहेंगी। और उसी तरह देखो, जो इनकम कंजम्पशन कर्व है, क्योंकि जो ये हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स मिलाए थे तो यहाँ पे जो हमारे पास कर्व आ जाता है उसको हम इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। इनकम कंजम्पशन कर्व जो है डैट शोज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द कंज्यूमर इनकम ऑन हिज परचेज। ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, जब अगर इनकम ज़ीरो है तो क्वांटिटी परचेज भी जो है एक्स एंड वाई की ज़ीरो होती है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो इनकम इफेक्ट है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। पॉजिटिव होता है कि देखो, अगर नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, तो वहाँ पे उनका जो इनकम इफेक्ट होता है पॉजिटिव होता है, जो इंडिकेट करता है कि अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है। और नेगेटिव इनकम इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि इनकम इंक्रीज
हो गई है लेकिन उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई है, मतलब उसकी परचेज जो है पहले से कम हो गई है, तो यहाँ पे इनकम इफेक्ट जो होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि ये उन गुड्स के अंदर होता है, इन्फीरियर गुड्स पे होता है, तो ये हायर इनकम लेवल पे जो है इनकी जो परचेज होती है वो कम होती है। ज़ीरो इनकम इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि इनकम के अंदर चेंजेस हैं और वहाँ पर क्वान्टिटी परचेज और कमोडिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है, तब हम कहते हैं कि इनकम इफेक्ट जो है ज़ीरो है। अब हम देखते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ नॉर्मल गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं, देखो नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है, बट प्राइस इफेक्ट जो होता है नेगेटिव होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट और जो प्राइस इफेक्ट है दोनों ही नेगेटिव होता है और डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। गिवन गुड जो होती है सबसे घटिया किस्त में, घटिया वस्तु में होती हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट जो होता है पॉजिटिव होता है, जिसका अर्थ होता है कि इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड कम हो जाती है और इनकम कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस इफेक्ट का होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि क्योंकि पॉजिटिव इनकम इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे इनकम कंजम्पशन कर्व की जो स्लोप है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है तो यहाँ पे जो इसकी स्लोप होती है वो डाउनवर्ड टू द राइट होती है, जो सिग्निफाई करती है कि यहाँ पे देखो वाई जो है इन्फीरियर है, एक्स जो है नॉर्मल गुड्स है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने, ये हमारा प्राइस लाइन है, ये हमारी ओरिजिनल प्राइस लाइन है, ये हमारी अगर देखो यहाँ पे चेंज इन इनकम है, यहाँ पे इंक्रीज इन इनकम है, यहाँ पे डिक्रीज इन इनकम है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स जो है हमारी नॉर्मल गुड है, वाई जो है हमारी इन्फीरियर गुड है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से क्या है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसकी शेप होती है, तो ये जो है एक्स की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होती है, तो और उसी तरह क्या है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट अगर वाई गुड जो है नॉर्मल है और एक्स जो है इन्फीरियर है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि देखो इस तरह से है, तो ये हमारी ओरिजिनल प्राइस लाइन है, जब हमारी इनकम रिड्यूस हो जाती है तो ये है, और अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो ये बिल्कुल पैरेलल जानी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखो ओरिजिनली हम यहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से क्या है इसकी इधर की तरफ शेप होती है, तो इस तरह से हमने इसको जो है ड्रॉ करना है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप जिनको आना है तो उनकी हेल्प के लिए मैंने बनाया है कि देखो अगर दोनों चीज़ें नॉर्मल है, एक्स भी नॉर्मल है वाई भी नॉर्मल है, तो वहाँ पे जो उसकी स्लिप होती है पॉजिटिव होती है, और अगर क्या है कि एक्स नॉर्मल है वाई इन्फीरियर है, तो वहाँ पे जो शेप होती है इस तरह से होती है, और अगर हॉरिजेंटल है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्स जो है नॉर्मल है वाई जो है न्यूट्रल है, तो उसकी जो शेप होती है इस तरह से होती है। अगर वर्टिकल है तो ऑपोजिट है, एक्स न्यूट्रल है वाई नॉर्मल है, और अगर बैकवर्ड स्लोप है तो वहाँ पे क्या है कि एक्स इन्फीरियर है वाई जो है सुपीरियर है। अब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को स्टडी करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का अर्थ ये होता है अगर नेचुरली यहाँ पे क्या होता है कि जब गुड्स की प्राइस में चेंज आती है तो मनी इनकम भी इस ढंग से चेंज हो जाती है कि उसकी रियल इनकम को हम कांस्टेंट मानते हैं। रियल इनकम का अर्थ होता है परचेजिंग पावर जो है कांस्टेंट है, तो कंज्यूमर जो है चीपर गुड्स की जो सस्ती चीज़ें हैं उसको महंगी चीज़ों की जगह पर इस्तेमाल करेगा, और नेचुरली जो दोनों गुड्स की कमोडिटी है जो टोटल क्वान्टिटी चाहिए उसको इफेक्ट करता है, और ये जो इफेक्ट होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का अर्थ होता है कि नेचुरली जो उनकी रिलेटिव प्राइसेस की वजह से चेंजेस आती हैं तो क्वांटिटी परचेज के अंदर कितना चेंज आती है, और यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि जो रियल इनकम है डेट इज़ दी परचेजिंग पावर, जब एक्स गुड की जो प्राइस है वो फॉल करती है, तो इसका अर्थ है कि जैसे पहले 10 रुपये की एक्स आती है तो अब वो 10 रुपये में 2 आती है, तो यहाँ पे हमारे पास रियल इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है। तो जब हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को स्टडी करना है और देखना है कि क्वांटिटी एक्स जो परचेज कर रहे हैं और नेचुरली वो रिलेटिव प्राइस की वजह से क्या चेंजेस आई हैं, और यहाँ पे हमने क्योंकि रियल इनकम को कांस्टेंट मानना है, तो जो जब प्राइस रिड्यूस होती है तो मनी इनकम के अंदर भी चेंजेस आती हैं, तो मनी इनकम को हमने रिड्यूस करना है ताकि हम
रियल जो इनकम है वो कांस्टेंट रहे, तो वहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को जो है स्टडी करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हिक्सियन एंड स्लट्स के वजह से स्टडी किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं हिक्सियन का ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दे रही हूँ। हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होती है, यहाँ पे प्राइस चेंजेस अकॉम्पनीड बाय सो मच चेंजेस इन द मनी इनकम दैट द कंज्यूमर इज नाइदर बेटर ऑफ नॉर वर्स ऑफ देन द बिफोर। देखो हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि हम मनी इनकम के अंदर इस ढंग से चेंजेस करते हैं कि ना तो कंज्यूमर जो है सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है। नेचुरली यहाँ पे उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या है कि उसका जो ना तो वो पहले से बेटर होता है ना ही वर्स होता है, क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है। तो यहाँ पे मनी इनकम को हम चेंज कर देते हैं ताकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहे और रियल इनकम को हम कांस्टेंट कर देते हैं। हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है सेम इंडिफरेंस कर्व पे टेक प्लेस होता है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी तो जल्दी समझ में आ जाएगा जब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा करेंगे। द अमाउंट बाय विच द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज चेंज सो डेट द कंज्यूमर, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस जो है रिड्यूस हो जाती है तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो अब कम प्राइस पे परचेज कर लेता है। तो नेचुरली हमने पहले जितनी, जैसे मान लो इसके अंदर मैं एग्जांपल जो है अगली स्लाइड में दी है तो वहीं से समझाऊंगी कि यहाँ पे हम उससे मनी इनकम जो है ले लेते हैं ताकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहे, और यहाँ पे जो कॉम्पनसेशन वेरिएशन इनकम जो है डेट इज़ ए चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर विच इज़ जस्ट सफिशेंट टू कॉम्पनसेट द कंज्यूमर फॉर द चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है, उसकी जो इनकम है जो उसके पास पैसे हैं वो 4 रुपए हैं, तो उसने ऑरेंज और एप्पल के ऊपर स्पेंड करने हैं। ऑरेंज की जो पर पीस प्राइस है वो 50 पैसा है और एप्पल की जो है वो 1 रुपी है। तो देखो वहाँ पे वो 4 ऑरेंजेस लेता है और 2 एप्पल्स लेता है। 2 रुपये वो एप्पल पे स्पेंड करता है और 2 रुपये वो ऑरेंजेस पे स्पेंड करता है, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहता है। अब क्या होता है कि एप्पल की प्राइस जो है रिड्यूस हो जाती है और प्राइस ऑफ द ऑरेंज जो है कॉन्स्टेंट रहती है, तो वहाँ पे कंज्यूमर जो है नेचुरली, देखो यहाँ पे क्या है कि वो पहले 2 एप्पल्स ले रहा था और 4 ऑरेंजेस ले रहा था, अब वो 4 ऑरेंजेस और 2 एप्पल जो है वो 3 रुपये में ले सकता है। तो यहाँ पे उसकी जो रियल इनकम है, क्योंकि रियल इनकम का अर्थ होता है कि जितनी क्वांटिटी वो पहले परचेज कर रहा था उतनी क्वांटिटी अब परचेज करेगा, तो वो पॉसिबल है 3 रुपीज़ पे। तो हम 1 रुपये उससे ले लेते हैं ताकि उसकी मनी इनकम जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ताकि कंज्यूमर जो है उसकी रियल इनकम कॉन्स्टेंट रहे और वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स दो चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स विच आर ब्रॉट ड्यू टू द चेंज इन द रिलेटिव प्राइसेस। तो यहाँ पे हम रियल इनकम जो है, रियल इनकम का अर्थ होता है कि देखो कॉम्बिनेशन हमने यही परचेज करना है 4 ऑरेंजेस एंड 2 एप्पल्स और ये 3 रुपये में हो सकता है, तो नेचुरली 1 रुपये हम उससे ले लेते हैं। तो यहाँ पे रियल इनकम जो होती है कॉन्स्टेंट रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि डायग्राम जो है उसको हमने किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है बताती हूँ कि ड्रॉ कैसे करना है। देखो यहाँ पे जो है एक्स कमोडिटी है, यहाँ पे वाई कमोडिटी है, तो ये हमारी जो है बेसिकली ये हमारी ओरिजिनल प्राइस लाइन है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जब हमारी क्या होता है बेसिकली जब हमारी एक्स कमोडिटी जो है वो सस्ती हो जाती है तो इस तरह से जो है प्राइस लाइन शिफ्ट हो जाती है। अब क्या है कि देखो नेचुरली प्राइस जो है रिड्यूस हो गई है, तो जिसकी वजह से क्या है कि अब उसके पास क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन जो है 3 रुपये में ले सकता है और 1 रुपये उसके पास ज़्यादा है, तो हम उससे 1 रुपये कम ले लेते हैं, उससे वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है हमने शो करनी है, बिल्कुल इसके पैरेलल जो है इसको शो करना है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल हमने इसके पैरेलल जो है शो करनी है, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने क्या है कि यहाँ पे भी मैं बताती हूँ आपको। देखो यहाँ पे हमने इस तरह से ये हमारा जो है एक्स एंड वाई एक्सिस है, हम इस जो है बेसिकली ये हमारी ओरिजिनल प्राइस लाइन है, उसके बाद हम इस प्राइस लाइन पे पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम बिल्कुल इसके पैरेलल जो है ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम पहले इस बिंदु पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं, अब हमने सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहना है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा
ई से ई वन की तरफ शिफ्ट हो गए, और उसी तरह ही देखो यहाँ पे हम इस तरह से हैं। तो यहाँ पे जब हम इधर जाते हैं तो ये प्राइस इफेक्ट है। अब हमने प्राइस इफेक्ट को इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के अंदर से ब्रेक करना है। तो जो एल से एम की तरफ, क्योंकि हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहते हैं, तो नेचुरली हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है एल की जगह पे एम हो जाता है। तो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे भी जो बेसिकली क्या होता है कि देखो, जैसे पहले हम इस प्राइस लाइन पे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारी एक्स कमोडिटी जो है उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम इस इंडिफरेंस कर्व पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे ई से जब हम जी की तरफ जाते हैं तो ये प्राइस इफेक्ट है। तो अब हमने देखना है कि कितना इनकम की वजह से है, कितना सब्स्टिट्यूशन की वजह से है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली पहले उसके पास 4 रुपये थे, 4 रुपये में वो 4 ऑरेंजेस और 2 एप्पल्स लेता था, और वो 3 रुपये में ले सकता है, तो हम उसे 1 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने प्राइस लाइन जो है ड्रॉ करनी है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि ये सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा, तो यहाँ पे ये ई से एफ हो जाता है। तो जो ई से एफ की तरफ शिफ्ट होता है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। अब हम इसको प्राइस इफेक्ट को स्टडी करते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन का। देखो, प्राइस इफेक्ट में भी डिफाइंड एज दी चेंजेस इन दी कंजम्पशन ऑफ द गुड, जब दोनों गुड्स की जो प्राइस है उनमें से कोई भी प्राइस चेंज होती है। तो यहाँ पे जो अदर गुड्स हैं और जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो कॉन्स्टेंट रहती है। तो प्राइस इफेक्ट को हम ब्रेक कर सकते हैं, कितना इनकम की वजह से है, कितना सब्स्टिट्यूशन की वजह से है। और यहाँ पे हमारी जो अजम्पशन है, एक तो मनी इनकम जो है कॉन्स्टेंट रहती है, और जो प्राइस कमोडिटी ऑफ द वाई है वो अनचेंज रहती है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्स कमोडिटी है उसकी प्राइस चेंज होती है, और वाई की जो है कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे उसी तरह क्या है कि जो डायग्राम है, तो ये हमारा प्राइस इफेक्ट जो है पॉजिटिव है। दोनों के अंदर क्या है कि एक्स एंड वाई जो है हमारी नॉर्मल गुड्स हैं। तो उस तरह से हमने शो किया कि जब देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारी ओरिजिनल प्राइस लाइन है, तो यहाँ पे जब प्राइस फॉल करती है तो हमारी प्राइस लाइन इस तरफ शिफ्ट हो जाती है, और जब हमारी प्राइस एक्स की एक्सपेंसिव होती है तो इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो जब हम इनकी इक्विलिब्रियम पॉइंट को मिला देते हैं तो हमारे पास आ जाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाता है। तो यहाँ पे जो प्राइस कंजम्पशन कर्व होता है, इसका जो अर्थ होता है, ये वो कर्व होता है जो हमें बताता है कि जब प्राइस के अंदर चेंजेस आती हैं तो नेचुरली रियल इनकम जो है कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, तो प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होता है पॉजिटिव होता है। और उसी तरह देखो, जो प्राइस इफेक्ट है, इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं कि कितना हिस्सा इनकम की वजह से है, कितना सब्स्टिट्यूशन की वजह से है। तो यहाँ पे भी देखो, बिल्कुल उसी तरह ही डायग्राम हमें ड्रॉ करना है जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर बनाया था। तो देखो, ये हमारी ए बी प्राइस लाइन है। अब प्राइस ऑफ एक्स जो है रिड्यूस हो जाती है, तो ये हमारी प्राइस लाइन शिफ्ट हो जाती है। और नेचुरली अब वो कॉम्बिनेशन जो है वो 3 रुपये में परचेज़ कर सकता है, तो उसके पास 4 रुपये की इनकम है, तो हमने बिल्कुल उनसे 1 रुपये की इनकम ले लेनी है। तो उस तरह से हमने ये बिल्कुल इसके पैरेलल शो कर देना है। तो यहाँ पे देखो, ये सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहता है, तो यहाँ से ई, और उसी तरह जब प्राइस, तो ये है। तो देखो, यहाँ से ई से जब एफ़ की तरफ आता है तो सब्स्टिट्यूशन है, और एफ और जी जो है वो इनकम इफेक्ट है। तो इस तरह से हमने प्राइस इफेक्ट को जो है इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर जो है ब्रेक कर देना है। प्राइस इफेक्ट जो है ई जी है, विच इज़ इक्वल टू ई एफ। ई एफ जो है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और जो एफ जी है वो इनकम इफेक्ट है।